السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين पिछली मर्तबा हमने सूरह नूह अलैहिस्सलाम मुकम्मल की थी और हम 29th पारा पढ़ रहे थे, लेकिन आज इंशाल्लाह हम एक स्पेशल लेक्चर के हवाले से सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ रहे हैं। सूरह नूह के बाद वैसे सूरतुल जिन है, लेकिन उसका आगाज़ हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे से, जब इंशाल्लाह ऑपरेशनल होगा, जब नेक्स्ट फ्राइडे होगा, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे ऑफ है, और उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह सूरत का आगाज़ करेंगे। सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात, इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो आयात अल्लाह ताला ने मुझे मेराज पर अता की। वाकई मेराज, आपको मालूम, सबको मालूम है, जिसमें अल्लाह सुबहाना व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया सातों आसमान क्रॉस कर कर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुबहाना व ताला के पास पहुँचे तो अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई, जिसमें से पाँच नमाज़ें भी हैं। पांच नमाज़ें कब फ़र्ज़ हुई? मेराज पर। इसके अलावा ये दो आयतें भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई, जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयत बहुत स्पेशल हैं, कि बाकी सारी आयत ज़मीन पर नाजिल हुई और ये दो आयत ये आसमान पे अल्लाह के पास मेराज के वक्त नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ सहाबा को ये बात बयान फरमाई कि इन दो आयात को पढ़ा करो फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ा करो, क्योंकि ये वो ख़जाना है जो अल्लाह के अर्श के पास से अल्लाह ने मुझे अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये पढ़ा करो क्योंकि ये जो दो आयात हैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, ये अल्लाह सुबहाना व ताला के अर्श के ख़जानों में से वो हैं जो अल्लाह ने मुझे अता की, और मुझसे पहले किसी नबी को इस तरह का ख़जाना अता नहीं हुआ। इसी बात को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस्लाम को जानता होगा
वो ये दो आयात पढ़े बगैर रात को नहीं सोएगा, यानी सोने से पहले इन दो आयात को ज़रूर पढ़े। अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया कि मैं नहीं जानता किसी ऐसे शख्स को जो इस्लाम को जानता हो फिर भी इन दो आयात को पढ़े बगैर सो जाए, क्योंकि ये वो आयात हैं जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श के ख़जानों में से अता फरमाई। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस घर में 3 दिन तक ये दो आयात पढ़ी जाती हैं शैतान उस घर के करीब भी नहीं आता। तो ये खुसूसी फजीलत है इन दो आयात की, और ये नाजिल कब हुई? मेराज पर हिजरत से पहले। और ये प्लेस कहाँ की गई हैं? सूरे बकरा के एंड में। हमें मालूम है कि सूरे बकरा मदनी सूरत है। मदनी सूरत होने का क्या मतलब होता है? मदीना में नाजिल हुई। बिल्कुल गलत। मदनी सूरत का मतलब है हिजरत के बाद नाजिल। ज़रूरी नहीं है कि शहर मदीना में नाजिल हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके कहीं जाते थे, मसलन तबूक तक भी गए, मुख्तलिफ गज़वात में गए, कभी कहीं शहर से बाहर भी नाजिल हुई। बहुत सी आयात मदीना से बाहर भी नाजिल हुई, उन सब को मदनी कहते हैं। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे हिजरत से पहले, तो बहुत सी आयात नाजिल हुई जो मक्का से बाहर नाजिल हुई, लेकिन उनको भी क्या कहते हैं? मक्की। तो मक्की और मदनी का मतलब है हिजरत से पहले या हिजरत के बाद। इस लिहाज से देखा जाए तो सूरह बकरा की आखिरी दो आयात मक्की हैं या मदनी? मक्की है। क्यों? क्योंकि हिजरत से पहले नाजिल हुई, क्योंकि वाकया मेराज हिजरत से पहले था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सूरह बकरा के एंड में रखा है जो कि मदनी सूरत है। तो कुरान हकीम में कुछ ऐसी सूरतें हैं जो खुद मदनी हैं लेकिन उसमें चंद आयात मक्की हैं, उसमें से ये भी सूरह बकरा। और हमें ये बात मालूम है कि जब अल्लाह सुबहाना व तआला किसी आयत को किसी जगह प्लेस करते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है। तो ये जो दो आयात हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको अल्लाह सुबहाना व तआला ने सूरह बकरा के एंड में क्यों रखा? इसकी बहुत विड्थ है, इसकी बहुत गहराई है इस बात की कि सूरह बकरा में जो कुछ पीछे गुजरा, सूरह बकरा में टोटल आयात कितनी है? 286। तो 284 आयात में जो टॉपिक था उसका इख्तिताम हो रहा है इन दो आयात से, 285 और 286। तो सूरह बकरा में अल्लाह सुबहाना व तआला ने क्या बयान फरमाया? द फर्स्ट हाफ ऑफ सूरह बकरा, उसका ज्यादा फोकस है बनी इसराइल से खिताब। बनी इसराइल जिसे हम यहूदी कहते हैं, तो उनसे अल्लाह ने खिताब किया, उनसे एड्रेस किया, उनसे डायरेक्ट बात की और उनको बताया कि तुम्हें अल्लाह ने अफजल कौम बनाया था, बेस्ट नेशन बनाया था, अल्लाह ने तुम्हें किताब दी थी, तुम पर रसूल भेजे थे, लेकिन तुमने क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या खताएं की और उन खताओं की वजह से अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या सजाएं दी। ये बयान करने के बाद फिर सेकंड हाफ से सूरह बकरा में मुसलमानों से खिताब शुरू हो जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। फिर ये जो सेकंड हाफ है सूरह बकरा का, इसमें नमाज का भी जिक्र है, नमाज का हुक्म है, रोज़ों का जिक्र है, रमज़ान के रोज़ों का जिक्र है, ज़कात का, सदक़ात का, अल्लाह के रास्ते माल खर्च करने का भी जिक्र है, हज का भी पूरा डिस्क्रिप्शन है, 2 रुकू हज पर हैं। इसके अलावा मामलात निकाह के, तलाक के, औलाद के, तरबियत के, उसके बाद फाइनेंशियल मामलात के, सूद हराम है, और जो मामलात दैन के हों यानी उधारी मामलात हों, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कैश पे ना हो उसको लिख लिया करो। सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत 282 वो भी इसमें है। तो यानी कि जिसे उलमा कहते हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह ने पूरी शरीयत का खुलासा बयान कर दिया है। एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो जो भी
मसाइल पेश आ सकते हैं, जितने भी शोबे हैं, जितने भी डिसिप्लिन और इदारे और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जिसमें गाइडेंस की, सब कुछ सूरह बकरा में आ गया। फर्स्ट हाफ में बताया कि बनी इसराइल को भी अल्लाह ने शरीयत दी थी, लिहाजा अफजल कौम बनाया था, बेस्ट नेशन बनाया था, लेकिन नाफरमानी की वजह से क्या क्या सज़ाएँ मिली। सेकेंड हाफ में अल्लाह ने हमें शरीयत दे दी, मतलब क्या है कि अब हम बेस्ट नेशन हैं, हमारे पास है किताब, हमारे पास है नबी की तालीमात, लेकिन अगर हमने भी वो सारे गलत काम किए जो यहूदियों ने किए थे तो हमें भी वैसी ही सज़ाएं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं और आप जो मुसलमान घर में पैदा हो गए, अगर हम सूरह बकरा के एंड तक पहुँचेंगे तो हमारे जहन पर, हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ा बर्डन फील होगा। अगर हम मुसलमान हैं इसका मतलब हम अल्लाह की नज़र में बेस्ट ऑफ द नेशन हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्लाह की किताब है, अल्लाह के नबी की तालीमात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, अगर हमने इस तालीम पर अमल नहीं किया तो हमें दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। और दीन पर अमल करना ये एक मुश्किल काम है, ये अल्लाह ने खुद बताया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा खौफ से, भूख से, जान माल समरात के नुकसान से। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दें। तो दीन पे चलना मुश्किल है, उसके लिए वस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, मदद हासिल करो नमाज और सब्र से। और अगर दीन पे नहीं चलोगे तो दुनिया में भी रुसवाई है और आखरत में शदीद तरीन अजाब है। तो जब सूरह बकरा के एंड पे एक शख्स पहुंचता है, एक मुसलमान पहुंचता है, उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बोझ है, ये तो हमसे होगा नहीं। तो आखिरी दो आयात में से पहली आयत में अल्लाह सुबहाना व तआला ने पहले तो तारीफ की, इफ़ यू आर अ मोमिन, आप अल्लाह को कितने पसंद हैं। यू विल मेक मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, कोशिश करो, माफ़ी मांगो और तुम अल्लाह को पसंद हो। और दूसरी आयत में जो लास्ट आयत है, अल्लाह ताला ने एक रूल बताया कि अल्लाह ताला किसी को बोझ नहीं देता जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्लाह ने अगर आपके ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज़ की है, इसका मतलब है आप बर्दाश्त कर सकते हैं जब भी फ़र्ज़ की है। और अगर एक चीज़ जो हम कर सकते हैं फिर भी हमसे नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारे पास एक चीज़ थी जो हमने ज़ाया कर दी। जैसे एक शख्स है, एक यंग लड़का, बहुत फिट हो सकता है, बहुत तेज़ भाग सकता है, बहुत काम कर सकता है, बहुत फोकस कर सकता है, बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को ज़ाया कर दे, वो अपनी क्वालिटीज़ को ज़ाया कर दे खेल के और अनहेल्दी खाना खा के, अनहेल्दी हैबिट्स अपना कर, अनहेल्दी दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर, फिर जब वो बड़ा होगा ना वो हेल्दी होगा, ना वो स्मार्ट होगा, ना वो फास्ट होगा। लेकिन इसमें किसकी गलती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने कोई ज़िम्मेदारी दी है, इसका मतलब अल्लाह को मालूम है कि आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं कर सक रहे, इसका मतलब करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला चाहता है कि हम सब अपने पोटेंशियल को पहुँचें। और फिर उसके बाद अल्लाह ने दुआएँ सिखाई, बहुत सारी दुआएँ। आखिरी आयत में अल्लाह ने पहले रूल बताया कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ की है, कोई ज़िम्मेदारी दी है, दैट मीन यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। और फिर उसके बाद दुआएं सिखाई। तो ये दो आयात जो सूरह बकरा के आखिरी में रखी गई हैं, असल में सूरह बकरा पढ़ते हुए जो बोझ महसूस होता है, और एक मुसलमान को कहीं ऐसा फील ना हो कि हम तो फंस गए मुसलमान पैदा होकर, एक तो किताब है, उस किताब पर अब अमल ना करेंगे तो दुनिया में भी रुसवाई, आखरत में भी अजाब, और अमल करने में काफिर भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और अल्लाह भी आजमाएगा, और सब्र करना है। तो मुश्किल लग रही थी, तो अल्लाह ताला ने पहले तारीफ़ फरमाई, उसके बाद एक रूल बताया और दुआएं सिखाई।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے اور ایمان والے بھی والمؤمنون ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں ایمان لائے ہیں قرآن میں کئی جگہ یہ آیا وانا اول المسلمین وانا اول المؤمنین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اسٹیپ لیا ہے اسٹیپ ٹورڈز بلیف کسی بات کو ماننا ایون دو یو کین ناٹ سی اٹ پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لینا والمؤمنون اور مومنین بھی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے قرآن پر اسلام پر اور مومنین بھی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ہمیں اللہ نے پلیس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہمارا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایک ہی جگہ ساتھ بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله کہ ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے یہ بھی تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں فخر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور کسی ایک بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے یہ فخر پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے کبھی کوئی فرشتہ نہیں دیکھا کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کتابیں ہم سے پہلے نازل ہوئی تھیں رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے ایک رسول کو بھی نہیں دیکھا ہم جب دنیا میں آئے تمام رسول جا چکے تھے لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے اس کے بعد فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر اللہ نے فرمایا اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہم نے مانا اے پروردگار ہمیں تیری مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہتے ہم ہیں کوٹ کون کر رہا ہے ہمیں اللہ وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور مانا یعنی کہ سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے جب اینڈ تک پہنچے تو سارے احکامات تھے جو کہ بہت مشکل لگ رہے ہوں گے مگر یہ کیا کہتے ہیں سمعنا واطعنا جیسے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس آیت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے والی آیت کیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب لے گا پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے یعنی نیتیں خواہشات امیجنیشن سوچیں اس کا بھی محاسبہ ہوگا پھر اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا معاف کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے یعنی عمل تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خیالات اور انٹینشنز پر بھی محاسبہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا آپ کو کہنا چاہیے اے اللہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا یعنی ہم نے سن لیا ہم اس کو ماننے کی کوشش کریں گے لیکن غفرانک ہمیں آپ کی مغفرت چاہیے کیونکہ ہم غلطیاں کریں گے ہم سے نہیں ہو پائے گا لیکن سمعنا واطعنا بولیں گے یہی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ باتیں نہ سنیں یا کچھ سنی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں سب سنیں گے اور سب پر عمل کی کوشش کریں گے غفرانک ربنا والیک المصیر یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں مومنین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
ایمان لائے رسول جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے اور مؤمنین کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله، ان میں سے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور وہ کسی ایک رسول میں فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اس کے بعد لاسٹ آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ. وسعت، وسعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسٹینشن، آپ کی لمٹ، دا میکسیمم دیٹ یو کین ڈو. تو اگر کوئی چیز دین میں فرض ہے، جیسے پانچ نمازیں فرض ہیں، فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی نے یہ کرنا ہے. تو یہ رول ہے اسلام کا، اگر کوئی چیز فرض ہے اس کا مطلب ہم کر سکتے. رمضان کے سارے روزے فرض ہیں، اب کوئی کہے میں تو کر ہی نہیں سکتا، اگر آپ کر نہیں سکتے ہوتے تو آپ پہ فرض نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہا، ایون دو فرض ہے، اس کا مطلب ہماری وسعت ہے، لیکن ہم نے کچھ اپنے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ہم سے ہو نہیں رہا. جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اٹھا نہیں جاتا، کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ سوتے دیر سے ہیں تو کیسے اٹھا جائے گا؟ تو ایک غلطی پہلے ہم خود کریں اور پھر کہیں ہوتا نہیں، تو غلطی تو ہماری ہوئی. لا یکلف اللہ نفسا، یکلف کا مطلب ہے مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ. الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے وہ نیکی کا بدلہ جو اس نے کمایا، اور اسی کے خلاف ہوگا وہ بدلہ جو اس نے برائی کمائی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی نیکی کی اس کا ثواب کسی اور کو مل گیا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی اور نے گناہ کیا اس کا آپ کو مل گیا، یا آپ نے گناہ کیا کسی اور کو مل گیا. یہ بھی کیا ہے؟ ایک ریلیکسیشن، دل کو سکون ہے کہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم کریں گے. اب ہم کسی انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے، کچھ چیزیں پیچھے سے آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں تھیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کا انوائرمنٹ کیا ہے، اس کے جینز کیا ہیں، اس کی ایبیلیٹی کیا ہے. اصول کیا ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی ملے گا، اسے اسی کا ثواب ملے گا جو اس نے کمایا، اور اسی کا وبال پڑے گا جو گناہ اس نے کمایا. اب یہاں سے پھر دعائیں، یہ ایک رول بتایا اللہ نے، رسپانسبلٹی از اکارڈنگ ٹو وسعت، لمیٹیشن اکارڈنگ ٹو ایبیلیٹی، اور جو کرو گے وہی تمہیں ملے گا. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمیں مت پکڑ، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما. ان نسینا، نسینا کا مطلب نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول جائیں. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، اخطأنا مطلب خطا. خطا کیا ہے؟ کوئی کام کر رہے ہیں، ڈائریکشن بھی صحیح ہے لیکن پورا نہیں ہوگا. جیسے کوئی بندہ شوٹ کرتا ہے ایرو شوٹ کیا تھا ٹارگٹ کی طرف لیکن پہلے گر گیا، اس کو کہتے ہیں خطا. نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول ہی گئے، ایرو چلانا ہی بھول گئے. تو اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم شارٹ فال ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعائیں ہیں، ہر دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، کر دیا میں نے، قبول کر لی تمہاری دعا. خود ہی دعا سکھائی ہے اللہ نے، لہٰذا مقبول تو ہونی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو پہلے ہی سے قبول ہو چکی.
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, ऐ हमारे रब हमारा मुआख़ज़ा ना फरमा अगर हम भूल जाएँ या हम चूक जाएँ। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब हम पर ऐसी ज़िम्मेदारी ना डाल वो भारी बोझ जैसा तूने डाला था उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। जैसे यहूदियों को जो शरीयत दी गई थी या अहकामात दिए गए थे वो बहुत भारी थे, तो हम पर ऐसा बोझ ना डाल जो हमसे पहले वालों पर डाला था। अब ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है जबकि अल्लाह ऐलान कर चुका है कि ज़िम्मेदारी उतनी ही डाली जाएगी जितनी वसत है। तो इससे एक मुराद ये है कि हमसे पहले कौन थे, यहूदी, और यहूदियों के साथ एक मुस्तकिल बीमारी थी कि वो खुद अपनी शरीयत को मुश्किल कर देते थे सवाल पूछ पूछ के। सूरह बकरा ही में मिसाल है कि उन्हें एक हुक्म दिया गया गाय ज़िबा कर दो, उनको नहीं करनी थी, दिल नहीं चाह रहा था, तो सवाल पूछ रहे थे डिले करने के लिए, कौन सी गाय, कैसी गाय, किस रंग की। तो अल्लाह ने जवाब दिया, हर जवाब के बाद और मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि वो इतने स्पेसिफिक गाय बन गई कि उनको मिल ही नहीं रही थी। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 40 साल लग गए ऐसी गाय ढूंढने में। तो एक आसान हुक्म पूछ पूछ के मुश्किल कर दिया या और टैक्टिक्स अपना कर शरी अहकाम अवॉइड करने के लिए, तो अल्लाह उनकी शरीयत को मुश्किल कर देता था उनकी कोताही की वजह से। तो ये दुआ हम क्यों मांग रहे हैं अल्लाह से, क्योंकि यही सारी हरकतें हम भी करेंगे जो यहूदी करते थे। तो हमें वो सज़ा मत दे जो उनको दी। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब हम पर वो भारी बोझ ना डाल जैसा तूने डाला था हमसे पहले वालों पर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, और ऐ हमारे रब हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे जो हम उठाने की ताकत ना रखते हों। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ फरमा। वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें ढांप ले। वरहमना, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है। फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, लिहाजा हमारी मदद फरमा काफिर कौम के खिलाफ। लिहाजा हमारी मदद फरमा काफिर कौम के खिलाफ। अंत मौलाना, क्योंकि तू हमारा मौला है। मौला का मतलब क्या होता है, हेल्पर। आसान बात समझने की क्या है, मौलाना कि आप हमारे मददगार हैं, पुश्त पनाह, तो अल्लाह की मदद। फन सुरना, लिहाजा इसी वजह से फन सुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी मदद फरमाए काफिर कौम के खिलाफ। काफिर कौम के खिलाफ मदद मांगने के लिए अल्लाह ने दुआ सिखाई। बाज़ वक़्त हमें लगता है कि काफिर बेचारे ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ मदद मांग रहे हैं अल्लाह से, तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने सूरह बकरा ही में फरमाया, ला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, कि ये काफिर तुमसे उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारे दीन से ना फेर दें। जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ देते वो तुमसे लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे, उन्हें क्या मसला है इस्लाम से? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी शख्स मुसलमान हो जाता है वो इस्लाम नहीं छोड़ता। दूसरी बात यह है कि जो भी शख्स मुसलमान हो जाता है, कुरान को तो माने गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माने गई। अब कुरान में कुछ चीज़ें दो टोक अंदाज, सूद हराम है, पर्दा करना है, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, लिहाजा तमाम मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हों एक ही आईन को, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उसी को अमल करने की फिर कोशिश भी करते रहेंगे। मसलन कोई शख्स नीदरलैंड में मुसलमान हो जाए, अमेरिका में मुसलमान हो जाए, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी, वो सब जुड़ जाते हैं और एक उम्मत बन जाते हैं और सब एक ही चीज़ चाहते हैं, कुरान, कुरान पर अमल। तो काफिरों को ऐसा लगता है कि हम तो वीक पड़ जाएंगे। आज का भी जो काफिर है दुनिया में उनको क्या डर है, पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो एक बार मुसलमान होता है कुछ भी कर लो वापस नहीं आता। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत जल्द
मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी दुनिया में हर मुल्क में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुरान ही का हुक्म आ जाएगा उस मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। अगर उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ख्यालात कुरान से टकराते हैं तो इसका फ्यूचर क्या है? आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे और हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसका हल क्या है? ना कुरान चेंज कर सकते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई तब्दीली ला सकते हैं, ना इन चीज़ों की मोहब्बत कम कर सकते हैं। तो बेचारे कभी बौखला उठ के कुरान जलाते हैं, खुद ही खरीदा कुरान उसको जला दिया, इससे क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ। सारी दुनिया में कुरान पढ़ रहे हैं लोग, याद किया हुआ है, आपके जलाने से हम कुरान तो नहीं भूल जाते। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाएंगे, ये गुस्से की अलामतें हैं। जब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना मैं करूँ क्या, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। और फिर इसके अलावा वो क्या कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं पता? वो साजिशें हैं जो अल्लाह ने फरमाया कि या तो तुम्हें इस्लाम छुड़वा देंगे या तुमसे जंग करते रहे। तो अल्लाह ने हमें क्या दुआ सिखाई? अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह आप ही हमारे मददगार हैं, लिहाजा हमारी मदद फरमाएं काफिर कौम के खिलाफ, कि हम इस्लाम पे जमे रहें, इस्लाम पे अमल करते रहें, चाहे इन काफिरों का जितना प्रेशर हमारे ऊपर आए। अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ है कि हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।